friends, a very big hug to you. Welcome to my channel, Dr. Sasangi Spinnick. Why you should be diagnosed well before getting a treatment? इसका शीर्षक है कि आपके उपचार में बाल क्यों गिर रहे हैं, इसके बारे में अच्छे ढंग से सूक्ष्म जानकारी, एनालिसिस और डायग्नोसिस या नुस्खा बनाना क्यों इंपॉर्टेंट है। कोई भी बालों का उपचार कोई भी डॉक्टर कर रहा है या आपने नेट से पढ़ के किया है, वो रिजल्ट दे रहा है ना दे रहा है वो इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन डायग्नोसिस क्या है, उसकी क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कब तक ठीक होगा और किस तरीके से परमानेंटली ठीक होगा। अगर ये चारों चीज का उत्तर आपकी डायग्नोसिस दे रही है और डॉक्टर उन डायग्नोसिस को बना पा रहा है, तभी ये इलाज अपने में महत्व रखता है। अदरवाइज आज आप खुश हैं, कल को हो सकता है फिर दुखी हो जाएं। फ्रेंड्स, ये ट्यूटोरियल अगले 5 मिनट तक आप जरूर देखें, ये बिल्कुल आपको डिफरेंट जानकारी देगा। मेडिकल डायग्नोसिस क्यों इंपॉर्टेंट है, बालों के ट्रीटमेंट को किस तरीके से डायग्नोसिस की जानी चाहिए, जिससे आपको पता चले कि आप जो इलाज कर रहे हैं वो सही रास्ते पे जा रहा है कि नहीं, क्या आप फना जगह इलाज लेना चाहते हैं, वो डॉक्टर इस लाइक और इस तरीके से आपको ठीक कर सकता है कि नहीं, या आप सिर्फ इन पैरामीटर्स, इन मापदंडों को समझने के बाद आसानी से तय कर पाएंगे। अगर आपके डॉक्टर ने डायग्नोसिस को क्लियर किया, इनको फाइंड आउट करने की मेहनत की है और हर 2 महीने में इसको मेहनत करके वो आपकी कंडीशन को दिखाकर आगे बढ़ा रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये ट्रीटमेंट लेना आपके लिए उचित होगा। अदरवाइज जितने भी बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स हों, बड़े रिजल्ट्स हों, पेशेंट्स की भीड़ हो, इससे फर्क नहीं पड़ता है कि पेशेंट आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे। आपको फर्क पड़ेगा जब आप इन चीजों के लिए फुली एजुकेटेड एंड अंडरस्टैंड करेंगे। फ्रेंड, डायग्नोसिस ऑफ हेयर लॉस, देखिए हेयर लॉस एक मेडिकल इश्यू है। कोई भी डॉक्टर, चाहे वो यूनानी पद्धति का हो, होम्योपैथिक का हो, आयुर्वेदिक का हो, एलोपैथिक का हो, डर्मेटोलॉजी एक सब्जेक्ट है जिसमें मेडिकल डायग्नोसिस की जाती है, और बालों की जो डायग्नोसिस करने के लिए ट्रेन किया जाता है उसको हम ट्रैकोलॉजिस्ट कहते हैं और इस साइंस को हम ट्रैकोलॉजी कहते हैं। नाउ नंबर 2, ट्रैकोलॉजी विधा के अंतर्गत डायग्नोसिस करना बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होती है, इसलिए ट्रैकोलॉजी और एक क्वालिफाइड डॉक्टर, ये 2 इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है किसी भी अच्छे ट्रीटमेंट के लिए। नंबर 2 रिक्वायरमेंट है कि क्या डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया है कि नहीं उस उपचार में। डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया मतलब क्या होता है, एट डॉक्टर ससंगीस में एक एग्जाम्पल देता हूँ। एट डॉक्टर ससंगीस हम डर्मेटोलॉजी की बेस्ट टेक्निक्स का यूज करते हैं जो कि साइंस के द्वारा सपोर्टेड है, बिकॉज डर्मेटोलॉजी हैज साइंस एंड साइंस हैज द ऑब्जेक्टिविटी, मतलब ऑब्जेक्टिव जो फाइंडिंग्स है, जो साइंस है, जो आंखों से दिखाई दे सकते हैं, 5 सेंसेस से हम समझ सकते हैं, वो ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग्स साइंस और डायग्नोसिस हमें देती है। सेकेंड है डॉक्टर ससंगीस में सेकेंड जनरेशन होम्योपैथी थेरापेटिक्स, जिसको हम रेजन थेरापेटिक्स कहते हैं, वो माइंड बॉडी होलिस्टिक हीलिंग करती है, जिस जो कि सेफ नेचुरल ग्रोथ ट्रीटमेंट में पैदा करती है उन केसेस में जो कि ट्रीटेबल है। सो सेकेंड जनरेशन होम्योपैथी थेरापेटिक्स हैज बेस्ट ऑफ बोथ वर्ल्ड्स, डर्मेटोलॉजी एज वेल एज द बेस्ट ऑफ द होम्योपैथी थेरापेटिक्स। सो फ्रेंड्स, डायग्नोसिस कैसे करते हैं, किस तरीके का ट्रीटमेंट आपको लेना चाहिए, वो आप 1, 2, 3, 4 कैटेगरीज आपको नोट करना होगा। 1 इज कॉल्ड इंस्पेक्शन एंड मेडिकल हिस्ट्री। एक डॉक्टर इंस्पेक्ट करता है एरियाज को, देखता है कि उसमें फॉलिकल्स हैं कि नहीं, क्या उसमें से बाल निकल रहे हैं, क्या वो फॉलिकल्स में से बाल रिड्यूस हुए हैं, उसको हम कहते हैं रिडक्शन ऑफ हेयर पर फॉलिकुलर यूनिट्स, क्या उसके फॉलिकल्स डिस्ट्रॉय हो चुके हैं, उसको हम कहते हैं स्कार एलोपेशिया, चिकना हो गया, उसमें बाल नहीं उग सकते। नंबर 3, क्या बाल पहले की तुलना में पतले हो रहे हैं, कुछ एरियाज को वो स्टैंडर्ड चेक करता है और बोलता है कि ये हेयर थिनिंग हो रही है, उसको हम कहते हैं पॉलीमॉर्फिक फॉलिकल्स या हेयर थिनिंग एविडेंट होती है, मैक्रोस्कोपी में, डर्मेटो मैक्रोस्कोपी में भी दिख जाती है, और क्लोजली हैंड हेल्ड लेंसेज और अच्छी इपिल्यूमिनोसेंस, मतलब अच्छी उजाला वहां पे की जाए, तो डॉक्टर आसानी से इसको बना देता है और आपकी मेडिकल हिस्ट्री देख लेता है। इंपॉर्टेंट पार्ट होता है उसको हम कहते हैं पेशेंट की मेडिकल हिस्ट्री। हमने सुनी ज्यादातर फीमेल्स आती हैं, मान लीजिए एक फीमेल 30-35 ईयर्स में आई, उसने कहा पोस्ट प्रेगनेंसी के बाद, फर्स्ट डिलीवरी के बाद बाल गिरना शुरू हुए थे, मैंने कुछ ट्रीटमेंट किया रुक गए, लेकिन अभी पिछले 2-3 साल से बहुत तेजी से कम हुए और 6 महीने में मेरे बाल पीछे हो चुके, कम बाल हो चुके, इस तरीके से आपको उसकी पिक्स आती हैं। तो ये जो बाल कम हुए हैं इसके पीछे मेडिकल रीजंस क्या, अगर हमें दिख गया तो हम उस पेशेंट को अपने मेडिसिन से ठीक तो कर देते हैं, लेकिन मेडिकली हम प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि भाई तुम ठीक हो गए और काफी दिनों तक ठीक रहोगे, इन्हें न्यूट्रिशन की जरूरत है, इनको तुम ठीक कर लोगे, तो फिर आने वाले दिनों में तुम्हें डॉक्टर्स की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये फायदा है। डायग्नोसिस करने का, तो हम उस फीमेल में क्या डायग्नोसिस कर सकते हैं, एक इंस्पेक्शन कर दिया, समझ के उसके फॉलिकल यूनिट से बाल उठ सकते हैं। नंबर 2, हमने ये देखा कि पेशेंट की प्रेगनेंसी के बाद क्या न्यूट्रिशनल डिसऑर्डर्स आए थे,
क्या कोई हार्मोनल इश्यूज आए थे, तो हमने ब्लड टेस्ट किया और डायग्नोसिस बनाई कि हाँ इसमें कैल्शियम की कमी, इसमें विटामिन डी फ्री कम है, इस पेशेंट की टीएसएच लेवल्स हल्के से रेस्ट हैं, टी4 लेवल्स पेशेंट के कम है, थायराइड की तरफ पेशेंट गया, इसने ड्रग्स लिए कि नहीं लिए ये पता चल जाता है। नंबर 4 विटामिन डी का क्या लेवल है, मैक्रो एलिमेंट्स पेशेंट के न्यूट्रिशनल फैक्टर्स कैसे हैं। एक सीमेंटिंग प्रोटीन होता है दैट इज अ फेरस प्रोटीन कॉल्ड फेराइटिन, फेराइटिन इज अ वेरी यूजफुल प्रोटीन जो कि आयरन के स्टोर के लिए हमारे लिवर में रहता है और हमें जरूरत पड़ने पे वो आयरन का सप्लाई देता है। इसका चेक करना, फेराइटिन का चेक करना एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मैं इसको सिंपल भाषा में कहता हूँ सीमेंटिंग प्रोटीन। अगर पेशेंट के फेराइटिन लेवल 40 के नीचे जा रहा है तो डेफिनेटली ही रिक्वायर्स सम बूस्ट इन फेराइटिन लेवल्स। किस तरीके से हो सकता है, न्यूट्रिशन से हो सकता है, क्या बायोकेमिक सॉल्ट सेट करने से हो सकता है, क्या कुछ ड्रग्स हैं जो फैसिलिटेट कर सकती हैं, तो इस तरीके से ब्लड रिपोर्ट्स करना पेशेंट के लिए इंपॉर्टेंट होता है। नंबर 2 क्राइटेरिया इज फाइंडिंग द स्किन कंडीशन ऑन स्कैल्प, जिसके लिए हम डर्मेटो माइक्रोस्कोपी या डीप हेयर एनालिसिस करते हैं। उसमें ये इंपॉर्टेंट है हमारे लिए देखना कि पेशेंट के जो बाल निकल रहे हैं उसके आसपास की एरिया कैसे हैं, क्या उसमें स्केली है, क्या रेड है, क्या वहां पे फंगल इन्फेक्शन है जिसको हम सेबोरिक हेपेटाइटिस कहते हैं, क्या उसके बाल काफी पतले हो गए, क्या बालों के शेफ्ट मतलब बाल जो अपने में वो डैमेज हो रहे हैं, क्या बाल पहले की तुलना में छोटे हो रहे हैं ज्यादातर जिसको हम कहते हैं मिनिचराइजेशन, क्या बाल के छेद बंद हो गए हैं, बाल उसमें दिख रहे हैं जिसको हम ब्लैक डॉट्स कहते हैं, क्या बाल खत्म हो चुके हैं मुड़ गए जिसको हम कर्ली या कैडावरिक हेयर भी कहते हैं। इस तरीके से हम डर्मोस्कोपी भी उसको डायग्नोस करके ये बात पक्का करते हैं कि क्या लाइन ऑफ एक्शन होम्योपैथिक मेडिसिन में हमें लेना चाहिए, क्या हमें उसको लोकल एप्लीकेशन में भी कुछ प्लांट टिंचर्स देने चाहिए, क्या इंटरनल मेडिसिन हम दे रहे हैं उसमें किस लाइन ऑफ एक्शन की जीनियस इंपॉर्टेंट है। नाउ थर्ड पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसको हम कहते हैं कंप्लीट ब्लड रिपोर्टिंग इन वे ऑफ हार्मोन एनालिसिस। हम पेशेंट के टीएसएस, टीसी, टी4, पीसीओडी, पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज से संबंधित कुछ बेसिक क्राइटेरिया देखते हैं। फीमेल्स में अगर पास हिस्ट्री रही है मेंसेस के डिसऑर्डर की तो उसमें हम डीएचईएस और हार्मोनल इश्यूज देखते हैं। तो बोलने का मतलब है कि ऑब्जेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट है, साइंस हमें ऑब्जेक्टिविटी देता है, मेडिकल साइंस हमें इस बात को तय करती है कि क्या क्या चीजें हमें ठीक करनी है, किसमें दवाई की जरूरत होगी, किसमें न्यूट्रिशन की जरूरत होगी, किसमें आचार व्यवहार की जरूरत होगी, कहां पे होम्योपैथिक मेडिसिन में माइंड बॉडी काउंसलिंग की कहां इंपॉर्टेंस है, वो भी बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है। और देखिए फ्रेंड्स, फोर्थ क्राइटेरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया, इसको हम कहते हैं माइंड बॉडी हीलिंग या माइंड बॉडी होलिस्टिक हीलिंग। कोई भी डॉक्टर हो, जो भी विधाता हो, वो तब तक ट्रीटमेंट को कंप्लीट परमानेंट नहीं कर सकता जब तक कि पेशेंट के मानसिक स्थिति और उसके कॉन्फिडेंस लेवल का जो बेस है और किस तरीके का उसके आसपास के एनवायरमेंट है, क्या ऑक्यूपेशन है, उसको ना समझे। अगर पेशेंट के पास हिस्ट्री में कोई मेजर स्ट्रेस रही है, पारिवारिक स्थितियां खराब रही हैं, डिवोर्स हुआ है, फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही है, या पढ़ाई से संबंधित स्टूडेंट में कोई टेंशन रहे हैं, साइकियाट्रिक हिस्ट्री रही है, तो ऐसे कंडीशन में स्ट्रेस एक मेजर फैक्टर होता है। स्ट्रेस को जानना, उसकी ड्रग्स क्या लिया वो भी जानना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये यंग एज में जननी होता है हेयर लॉस का। सो फ्रेंड्स, माइंड बॉडी हीलिंग के लिए कंप्लीट केस हिस्ट्री भी इंपॉर्टेंट होगी, ये चौथा सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। कि मेडिकल ट्रीटमेंट ऑफ हेयर लॉस इज अ 360 डिग्री इवेल्यूशन ऑफ मेडिकल एज वेल एज इंटरनल पार्ट ऑफ अ पेशेंट, जिसको हम कहते हैं माइक्रोकॉजम एंड मैक्रोकॉजम, एनवायरमेंट, जेनेटिक्स, ओवरऑल ऑब्जेक्टिविटी ऑफ द पेशेंट और अ पर्सन, एंड देन माइक्रोकॉजम दैट मींस हाउ ही इज फ्रॉम इनसाइड, क्या कॉन्फिडेंस लेवल है, क्या सोच है, माइंड लेवल पे स्ट्रेस पैटर्न को कैसे ठीक करना है, क्या करना है। तो फ्रेंड्स, ये सब क्राइटेरियाज आपको इस बात को तय करते हैं कि आप किस हद तक ठीक होंगे, कितने ठीक होंगे, किस हद तक आप परमानेंटली ठीक होंगे और कितने बार आ जाएंगे। देखिए, ये प्रेडिक्शन बहुत इजी होता है, डॉक्टर ससंगी सब चीज को प्रेडिक्ट करते हैं, पेशेंट की फाइल्स में लिखते हैं, फाइंडिंग्स लिखते हैं और बता देते हैं कि आपको 8 से 12 महीने लेना ही लेना है या आपको इतने दिनों में आप ठीक होंगे। और मैंने अपने पिछले 20 साल में इस चीज को इतना एक्यूरेट अपनी टीम के साथ किया है कि हम लगभग 90% सेंसिटाइज डायग्नोस्टिक क्राइटेरियाज और प्रोग्नोसिस, मतलब ट्रीटमेंट के बाद क्या रिजल्ट होंगे, उसको हम क्लियर बताते हैं। सो फ्रेंड्स, कोई भी अच्छा ट्रीटमेंट बालों के लिए तभी वो सिद्ध हो सकता है जब वो डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया पे खरा उतरता है। अगर आपके डॉक्टर ने डायग्नोसिस को क्लियर किया, इनको फाइंड आउट करने की मेहनत की है और हर 2 महीने में इसको मेहनत करके वो आपकी कंडीशन को दिखाकर आगे बढ़ा रहे हैं, तो फ्रेंड्स ये ट्रीटमेंट लेना आपके लिए उचित होगा। अदरवाइज जितने भी बड़े बड़े एडवर्टीजमेंट्स हों, बड़े रिजल्ट्स हों, पेशेंट्स की भीड़ हो,
इससे फर्क नहीं पड़ता है कि पेशेंट आपको क्या रिजल्ट मिलेंगे, आपको फर्क पड़ेगा जब आप इन चीजों के लिए फुली एजुकेटेड एंड अंडरस्टैंड करेंगे। सो फ्रेंड्स, इस बार इतना ही काफी आपके लिए। मैं ऐसे बहुत सारी जानकारी आपको देते रहूंगा। मुझे आपके तक सुनने के लिए थैंक यू, और आपके अंदर बैठे ईश्वर को मैं धन्यवाद देता हूँ।